वेलकम इन लेक्चर फाइव ऑफ एडियम एंड फ्रेजेस सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन फ्रॉम एडियम नंबर फोर्टी वन अ हेयर्स ब्रिथ बाल बाल बचना कि अगर आप किसी भी एक्सीडेंट से बाल बाल बचते हैं तो वी यूज द एडियम ऑफ अ हेयर्स ब्रीथ लेट्स सी इट्स एग्जाम्पल वी हैड अ हेयर्स ब्रीथ स्केप फ्राम द एक्सीडेंट कि हम एक्सीडेंट से बाल बाल बचे आफ्टर वंस ऑन हर्ट अपनी पसंद के मुताबिक। अगर कोई भी काम अपनी पसंद से किया जाए तो वो यूज द एडियम आफ्टर वंस ऑन हर्ट अपनी पसंद के मुताबिक तो लेट्स सी इट्स एग्जांपल ही मैरिड अ गर्ल आफ्टर हिज ऑन हार्ट उसने अपनी पसंद के मुताबिक एक लड़की से शादी की हैंड इन ग्लव मुतहि या मुश्तर तौर पर कोई भी काम जो आ, किसी शराकत दारी के साथ किया जाता है जिसमें कुछ लोग मुतद हों तो आ, उन मुतहिद लोगों के लिए हैंड इन ग्लव का ए यूज किया जाता है तो लेट्स एग्जांपल द टू फ्रेंड्स आर हेंड एंड गो जो दोनों दोस्त हैं वो बिल्कुल मुतहिद हैं टीथ पूरी तरह मुसल्ला होना या अपने पिस्टल भी उठाया हुआ है अपने डैगर भी उठाया हुआ है अपने एस एम जी एम जी उठाई हुई है तो पूरी तरह मुसल्ला है जंग पे जाने के लिए या इसके अलावा आप भी किसी भी काम के लिए पूरी तरह मसल होते हैं फॉर एग्जांपल आप पेपर देने के लिए भी जाते हैं तो आपके पास पूरे पेन पेंसिल और इसके साथ साथ आपने अच्छी तरह से पढ़ा होता है तो आप वहाँ पे भी तो पूरी तरह मसल हो के जाते हैं तो आर्म टू द टीथ पूरी तरह मसल्ह होकर पूरी तरह लेस होकर हो जाने को कहा जाता है तो लेट्स इट्स एग्जांपल आर्म टू द टीथ ही केम टू फाइट विद हिज एनिम वो पूरी तरह मसल्ह होकर आर्म टू द टीथ होकर अपने दुश्मन के साथ लड़ने के लिए आया अस्टम्बलिंग ब्लॉक रुकावट अगर आप के किसी काम के अंदर या कहीं भी भीवन के रस्ते में कोई रुकावट हो तो उसको आप स्टम्बलिंग ब्लॉक कहा जाता है यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर में भाई साहब जो है इस रुकावट से गिरते हैं और जब आप रुकावटों से गिरते हैं तो आपके डेक्यूमेंट्स भी गिर जाते हैं आपके हाथ में जो का, चाय का कॉफ़ी का कप होता है वो भी गिर जाता है तो कोई भी रुकावट किसी काम के अंदर रुकावट हो किसी जगह के ऊपर रुकावट हो तो वो यूज़ रेडियम आ स्टम्बलिंग ब्लॉक तो लेट सी इट्स एग्जाम्पल हिज शाइनस वॉज अ स्टम्बलिंग ब्लॉक इन हिज वे टू प्रोग्रेस उसका आ, शाय होना जो है उसकी जो तरक्की थी उसके अंदर एक रुकावट था अफूल एरन, बेसुध काम कोई भी काम आप करते हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता जिसका कोई मकसद नहीं होता आ, और आपसे आप उसे कोई चीज़ हासिल नहीं करते तो उसको अफूल्स एरेंड कहा जाता है इन दिस एग्जांपल वी कैन सी दैट एक ग्लास का हैमर है और उससे जो है नेल को ठोका जा रहा है एज़ यू नो वेरी वेल कि जो ग्लास का हैमर होगा उससे आप नेल को नहीं ठोक सकते उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि वो हैमर जो है वो खुद ही टूट जाएगा तो लेट सी इट्स एग्जाम्पल दिस प्लान कम टू बी फूज एर एंड ये जो आपका मनसूबा है ये बिल्कुल बेसूद होगा इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा अ क्लोज शिफ बाल बाल बचना अगर आप आ, किसी मुसीबत से आ, बच जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने एक वर्कर दिखाया जा रहा है जो कि शायद किसी काम में बिजी था और एकदम से ऊपर से बिल्डिंग से कोई ब्लॉक गिरा और वो उस ब्लॉक से बच गया तो इस तरह की सिचुएशन में जब आप बच जाते हैं किसी मुसीबत से बच जाते हैं किसी मुसीबत से निकल जाते हैं और वो मुसीबत बिल्कुल आपके पास से गुजरती है जैसे कि आपने देखा हो रोड के ऊपर आप खड़े हैं आप अपने ध्यान में एकदम से छू करके एक कार आपके पास से गुजरती है तो उस वक्त जब आप बच जाते हैं तो आप ये ई डी एम शेव यूज़ कर सकते हैं Uh, वैसे बेहतर यह है कि वहाँ एडीएम यूज़ करने से बेहतर आप साइड पे खड़े हो जाएं और आपने जो हाथ आप में मोबाइल उठाया होता है जिसके ऊपर आपका ध्यान होता है उस ध्यान को छोड़ के रोड के ऊपर देखें तो लेट सी इट्स एग्जाम्पल क्लोज शेव द पेशेंट हैड अ क्लोज शेव विद डेथ जो मरीज था वो जो है बिल्कुल मौत से बाल बाल बच्चा था इन हॉट सूप मुश्किल में अगर कोई भी शख्स किसी भी मुसीबत में मुबतला होता है तो वो यूज़ द आइडियम इन अ हार्ड सूप जैसे कि ये मसूफ़ हार्ड सूप के अंदर बैठे हुए हैं और मुसीबत में तो बंदे की शक्ल बिगड़ी हुई होती है लेकिन ये इनकी शक्ल वैसे ऐसे लग रहा है कि ये मुश्किल में नहीं है ये इंजॉय करें लेकिन एक दर हकीकत जब आप मुश्किलात में होते हैं तो उसके लिए इन हॉट सूप का एडियम यूज़ किया जाता है कि हॉट सूप के अंदर आप तो फिंगर डाल के भी देख लें आपको पता लग जाएगा कि आपने एक मुश्किल में हाथ डाल दिया है या आपने एक मुश्किल को गले लगा लिया है तो लेट्स सी एग्जांपल ही इज़ इन अ हॉट सूप नाउ डेज कि वो आज कल मुश्किल में है टू माउथ जो कमाना खा जाना जैसे ये मसूख जो है ना खा पी के अभी फिर जो है ना खाली प्लेट लेके घूमे हुए हैं तो अगर आप जितना कुछ कमाते हैं वो सारा कुछ खा जाते हैं तो वो यूज़ है एडियम हैंड टू माउथ जो कमाना खा जाना तो लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ दिस इडियम, द पुअर लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ गरीब हमेशा जो है वो हैंड टू माउथ रहते हैं क्योंकि वो जो कुछ कमाते हैं वो उसको खा जाते हैं अशोगर डैडी बूढ़ा जो नौजवान औरतों को तोहफे दे ऐसा कोई शख्स जिसकी जवानी गुज़र चुकी हो अब बूढ़ा हो चुका हो और वो इस उम्र में भी गज में तोहफे बांटे उनको तोहफे दे तो उस शख्स को आ शुगर डैडी कहा जाता है आप कह सकते हैं कि उसका दिल तो अभी जवान है इस वजह से वो गिफ्ट या तोहफे दे रहा है तो इस तरह के केसेस में इस तरह के शख्स के लिए अशुगर डैडी का ईडियम्स यूज़ uh, किया जा सकता है तो लेट्स सी इट्स एग्जांपल दिस ओल्ड मैन इज़ शुगर डैडी फॉर यंग गर्ल्स ये बूढ़ा आदमी uh, लड़कियों के नौजवान लड़कियों के लिए एक शुगर डैडी है काइंडली गिव मी योर फीडबैक सो दैट आई कैन इम्प्रूव दीज लेक्चर्स इट विल बी अ प्लेयर फॉर मी थैंक्स फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज़ बाय बाय